बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और विधायक सुनील राणे के द्वारा आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव का समापन रुस्तम ए हिंद द्वारा सिंह मैदान बोरीवली पश्चिम में कुश्ती के महामुकाबले के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बोरीवली विधायक सुनील राणे और अन्य प्रमुख पदाधिकारी के साथ भारतीय पहलवान नरसिंह यादव उपस्थित थे। इस कुश्ती महामुकाबले को सफल बनाने के लिए पूरे देश के पहलवानों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को इस महामुकाबले में भाग लिया। बोरीवली में पहली बार परंपरागत कुश्ती के अखाड़े का निर्माण किया गया है, साथ ही गांव की थीम पर पंडाल और चारपाई की व्यवस्था की गई है। बोरीवली खेल महोत्सव में बॉक्सिंग, तैकांडो, जूडो, कराटे, किंग बॉक्सिंग, तलवारबाजी, वुशु, मल्लाखांब, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, रंगीन मैराथन, स्केटिंग, साइकिल मैराथन, ट्रायल्थलॉन, आर्चरी राइफल शूटिंग, रस्सी कूद, बॉडी बिल्डिंग और बास्केटबॉल जैसे 22 खेलों का आयोजन किया गया है। इस खेल महोत्सव में 8,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विधायक सुनील राणे की कल्पना और कुशल नेतृत्व में पिछले साल आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव एक सफल आयोजन साबित हुआ। इस खेल महोत्सव में युवा खिलाड़ी और बोरीवली के निवासियों से की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। आपल्या कुस्ती हा जो काही खेळ प्रकार आहे अतिशय पॉप्युलर आहे आणि त्याच्या कुस्त्या ज्या ठिकाणी झाल्या आणि त्या कुस्त्यांमध्ये विशेषतः जी शेवटची कुस्ती झाली महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटील आणि इराणचा जो पहलवान होता यांच्यामध्ये कुस्ती झाली आणि आमच्या महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराजने त्या ठिकाणी इराणच्या पहलवानाला चित केलं आणि कुस्ती या ठिकाणी जिंकली आणि महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव मोठं केलं। मी त्याबद्दल त्यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि अतिशय सुंदर या कुस्त्या या ठिकाणी सुनील राणेजींनी आयोजित केल्या त्यांचं देखील अभिनंदन करतो। बोरीवली खेल महोत्सव में आज हम सबने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका स्वागत किया और आज की कुश्ती के दंगल में करीबन 150 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। ईरान के नामी पहलवान और महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटिल इनकी नंबर वन की इन्हें जिसको हम कहते हैं एक नंबर की कुश्ती हुई और उस कुश्ती में हमारे महाराष्ट्र के केसरी पृथ्वीराज पाटिल ने ईरान के पहलवान को हराया और असल मिट्टी की इस कुश्ती को सही मायने में महाराष्ट्र की धरती को एक बहुत बड़ा नाम जो जिस कुश्ती से मिला है उसका सही अर्थ हमारे महाराष्ट्र केसरी ने पूरे विश्व को दिखा दिया क्योंकि पहलवान जो सामने वाला था वो ईरान से आया था। बोरीवली खेल महोत्सव का आज का ये समारोह इसी महत्व के कुश्ती के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग, बास्केटबॉल, स्केटिंग और आर्चरी और राइफल शूटिंग यानी ये 5-6 खेलों का आज खेलों के माध्यम से आज का ये बोरीवली खेल महोत्सव का समापन हुआ जिसमें करीबन 9,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मैं मानता हूँ कि बोरीवली खेल महोत्सव के लिए भारतीय जनता पार्टी की बोरीवली विधानसभा की टीम और बोरीवली कल्चरल बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की टीम ने बहुत भारी मेहनत की।